अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी क्या होती है? अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हम तब एक कपल को डायग्नोस करते हैं जब हमने उनके तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो प्रेगनेंसी होने में हेल्प करते हैं उनकी टेस्टिंग करा ली है और वो ठीक पाए गए हैं। ये तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला ओव्यूलेशन, यानी महिला में एग बन रहा होना चाहिए, जिसे हम ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड फॉलिकल मॉनिटरिंग से डिटरमिन करते हैं। सेकेंड, सीमन एनालिसिस, हस्बैंड का पार्टनर का सीमन यदि नॉर्मल है, सारे पैरामीटर्स यदि नॉर्मल है, तो उसे नॉर्मल सीमन काम, सीमन मोटिलिटी, सीमन मॉर्फोलॉजी के चलते नॉर्मल सीमन एनालिसिस लेबल किया जाता है। तीसरी चीज है ट्यूबल इवैल्यूएशन। महिला में दो ट्यूब्स होती है, राइट और लेफ्ट। यदि दोनों ट्यूब्स ओपन है और हमारे ट्यूबल टेस्ट पे किसी भी प्रकार का ट्यूबल पैथोलॉजी यानी कोई सूजन या फिर कोई इन्फेक्शन नहीं लग रहा है और ट्यूब्स अच्छे से खुली हुई हैं, तो उसे पेटेंट ट्यूब्स, ओपन ट्यूब्स कहते हैं। यदि ये तीनों चीजें नॉर्मल होती हैं तो हम कपल्स को बताते हैं कि आप अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को इसका ज्ञान नहीं है या डॉक्टर नहीं जानता या इस दुनिया में कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है जिससे हमें मालूम कर सके कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि इसके बियॉन्ड जितने भी एडवांस टेस्टिंग जो अवेलेबल है, यदि वो की जाए या ना की जाए, तो भी जो कारण है उसे ओवरकम करने के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए वो फिर भी वही रहेगा, वेदर वी टेस्ट और वी डोंट टेस्ट। सो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कपल्स के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होती है? यूजुअली अगर हम एक बात करें सब कुछ नॉर्मल होने पे, एक कपल यदि एक साल के लिए ट्राई करते हैं तो 80% ऑफ द कपल्स दे गेट प्रेग्नेंट, 80% प्रेग्नेंट अपने आप हो जाते हैं बिना किसी इलाज के। अगले एक साल में बचे हुए 20% में से 10% और कपल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो यानी जिन कपल्स में सब कुछ ठीक है उनमें दो साल ट्राई करने पे 90% कपल्स अपने आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। इन 10% में से भी 15% लोग जो होते हैं उनमें सब कुछ ठीक होता है, वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनके लिए हमारी एडवाइस ये रहती है कि किसी तरीके से प्रेगनेंसी होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाए, तो इसको बढ़ा के कुछ 18-20% तक ले जाया जा सकता है। ये कैसे किया जाता है? ये एग क्वालिटी को बेटर करके, जिसमें एग बनाने की मेडिसिन दी जाती है और नहीं तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक की जगह दो एग बनाने का प्रयास किया जाता है कि यदि मान लीजिए एक से अगर प्रेगनेंसी का चांस कम भी हो तो दूसरा ओवरकम कर सके। सेकंड, टाइमिंग को इम्प्रूव करके फॉलिकल मॉनिटरिंग से, LH किट से या दोनों के कॉम्बिनेशन से। थर्ड, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से, जिसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन में हस्बैंड के सीमेन सैंपल को वॉश करके उसे बच्चादानी में, यूट्रस में, गर्भाशय में एग के और समीप पहुंचाया जाता है ये देखने के बाद कब एग रिलीज हो रहा है। इससे ना सिर्फ टाइमिंग बेटर होती है पर कम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में अच्छे सीमन को, सिर्फ मोटाइल स्पर्म्स को कंसंट्रेट करके डिस्टेंस कम जो स्पर्म को ट्रैवल करना पड़े एग तक का, इन तीनों चीजों को कवर करके प्रेगनेंसी के चांसेस को इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन से बढ़ाया जाता है। तो एक यूजुअल प्लान जो हम बनाते हैं वो होता है कि अगर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन का अपने आप में सफल होने का जो चांस है वो अराउंड 18-20% है, तो करीब 3 महीने में 50-60% लोग जिनकी IUI से प्रेगनेंसी आ सकती है वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो एग बनाने की मेडिसिन देके अंडे की नंबर को बढ़ाया जाए, फॉलिकल मॉनिटरिंग से टाइमिंग अच्छा किया जाए और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन किया जाए। यूजुअली हम एडवाइस करते हैं 3-4 IUI, और यदि इसमें भी प्रेगनेंसी ना आए अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी से जूझ रहे कपल्स को, तो उन्हें IVF का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें भी प्रेगनेंसी नहीं आती है तो प्रोबेबली जो इश्यू है वो सिर्फ स्पर्म की, एग की क्वालिटी या फिर डिस्टेंस का या टाइमिंग का नहीं है। ये रिलेटेड हो सकता है बहुत सारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे जिसे किसी भी टेस्ट से हम जान नहीं सकते, और यदि जान भी पाए तो भी उसमें IVF ही एकमात्र सफल इलाज होता है।